एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दया पटेल। मैं आपका मेरी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग वेटेड मीन एंड कंबाइंड मीन पढ़ने वाले हैं। तो दोनों टाइप के मीन आज के ही लेक्चर में फिनिश करेंगे, प्लस एक्सरसाइज 3.2 हम लोग आज फिनिश करेंगे। सो आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट से दो टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कंबाइंड मीन का। कंबाइंड मीन सी कंबाइंड मतलब कहीं कुछ एक या दो चीज होगी तो कंबाइन होगी ना। दैट मीन्स कि व्हेनेवर एक से ज्यादा अगर हमको मीन दिए हुए हैं, एक से ज्यादा मीन या एक से ज्यादा ग्रुप, देन एंड देन ओनली वी कैन फाइंड कंबाइन मीन। क्लियर? सो कंबाइन मीन का फॉर्मूला है n1 इंटू एक्स बार 1 प्लस n2 इंटू एक्स बार 2 प्लस जितने भी ग्रुप है n3 एक्स बार 3, n4 एक्स बार 4, n5 एक्स बार 5, चलता रहेगा। राइट? ओके, डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस nk तक। जितने स्टेप्स ऊपर होंगे उतने ही स्टेप्स नीचे भी लिखने हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नाउ वेटेड मीन का फॉर्मूला देख लेते हैं। इसके जैसा ही है कुछ। लाइक दिस, एक्स एंड डब्ल्यू, एक्स एंड डब्ल्यू जितने भी ऐसी आपको पेयर्स दी हुई है उसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, देन आफ्टर जो भी वेट दिया है उसका टोटल कर लो, उससे डिवाइड कर लो। दैट्स इट, हो गया। इसको मैं दोबारा अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखूंगी, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, टोटल का मतलब होता है एडिशन। पहले एडिशन कर लो, फॉर्मूला शॉर्ट में लिखो तो भी चलेगा। हम उसी हिसाब से सम्स करने वाले हैं जिससे आपको फॉर्मूला बिल्कुल लिखने में इजी रहे। क्लियर? लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज 3.2, सम नंबर 1। द मीन डेली वेज पेड टू 75 स्किल्ड वर्कर ऑफ फैक्ट्री वॉज 280। मीन कितना है? 280। वर्कर्स कितने हैं? 175। फर्दर, नो सॉरी, इट्स ओनली 75। हाँ सॉरी। नेक्स्ट, वेर इज द मीन डेली वेजेस पेड टू 125 अनस्किल्ड वर्कर्स वॉज 150। नाउ एक्स बार टू कितना दिया है? 150। एंड कितने वर्कर्स का? 125। सो एन टू इज इक्वल्स टू 125। क्लियर? फाइंड मीन वेजेस ऑफ ऑल द वर्कर्स। सी यहाँ पे एक से ज्यादा वर्कर्स के वेजेस के बारे में बात करी हुई है, तो ऑब्वियसली हम कौन सा मीन फाइंड करेंगे, वेटेड या कंबाइंड?
कंबाइंड, क्योंकि यहां पे x बार नहीं है, वहां पे x बार नहीं है। जब एक से ज्यादा x बार दिया है तो समझ लेने का कौन सा फाइंड करने का, कंबाइंड मीन। चलो फिर पहले बाइफरकेट कर लेते हैं। पहला ग्रुप कौन सा है, स्किल्ड वर्कर का, और दूसरा ग्रुप कौन सा है, अनस्किल्ड वर्कर का। ओके, स्किल्ड वर्कर का एन मतलब कितने एम्प्लॉइज, 75। अनस्किल्ड में कितने एम्प्लॉइज, 125। एन सॉरी एक्स बार वन, इसका मीन कितना दिया है, 280 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस एग्जैक्टली। और दूसरे का दिया हुआ है 150, राइट। और सबका कंबाइंड फाइंड करना है, मतलब कि एक्स बार सी। रेडी, चलो फॉर्मूला हाजिर है, रख देते हैं एक के बाद एक। एन वन माने तो 75 इंटू एक्स बार वन 280, 125 इंटू 150 डिवाइड बाय 75 प्लस 125। मल्टीप्लीकेशन करो इन दोनों का। सेवेंटी फाइव इंटू टू एटी एम प्लस 125 इंटू 150 एम प्लस एम आर सी थ्री नाइन सेवन फाइव जीरो अपॉन 200 198.75 रुपीज के बारे में बात है। वेजेस ऑब्वियसली रुपीज में मेजर होते हैं, सो रुपीज का सिंबल लगाएंगे। दैट्स इट फ्रेंड्स, कंबाइन मीन बहुत इजी है, यू कैन सी कुछ भी टफ नहीं है, ना कैलकुलेशन ना फॉर्मूला। सिर्फ इतना कि फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेटेड मीन ऑफ द परसेंटेज चेंज इन प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फाइव आइटम्स आर देयर, वेट आर गिवन एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस आर आल्सो गिवन। सो फाइव चीजें हैं, सो इस हिसाब से फॉर्मूला लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो बेटर इज दैट कि हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है इसको हम बोलेंगे एक्स, वेयर एज वेट जो है उसको हम बोलेंगे डब्ल्यू। एंड लास्ट कॉलम एक्स डब्ल्यू की बना देते हैं, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 134, 125, 115, 97, 120, 710, 582 वेट के टोटल का जरूरत पड़ेगा, एक्स के टोटल का जरूरत नहीं पड़ेगा।
15, 32. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेगा, फिर अप्लाई शॉर्टकट, सारे मल्टीप्लिकेशन कैलसी में करेंगे. 134 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 125 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 115 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 97 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 120 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, जीटी दबाओ तो आपको टोटल मिल जाएगा ऑटोमेटिक. दिस इज शॉर्टकट ओनली. बीच में कुछ प्रेस नहीं करने का, इज इक्वल्स टू हर बार प्रेस करने का, दैट्स इट. लास्ट में जीटी दबाओगे आंसर आ जाएगा. एक्स बार डब्ल्यू का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. एक्स डब्ल्यू माने 3779, डब्ल्यू माने 32, 118.09. इसमें कुछ भी आपको यूनिट नहीं दिया तो नहीं लिखने का. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है टू ऑफिसर्स, 10 क्लर्क्स एंड 3 पियॉन्स कंट्रीब्यूटेड फॉर स्टाफ पिकनिक. कंट्रीब्यूशन कलेक्टेड पर पर्सन इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल. फाइंड द मीन कंट्रीब्यूशन पर पर्सन यूजिंग वेटेड मीन. अगेन वेटेड मीन बोला है, सो टेबल यही का यही रहेगा, फॉर्मूला यही का यही रहेगा. सी, अब उसमें हम किस चीज को वेट लेंगे और किसको एक्स लेंगे. जो चीज रिपीट हो रही है उसको वेट लेंगे, मतलब कि वर्कर्स के कंट्रीब्यूशंस, तो कंट्रीब्यूशन उसमें सेम है, जबकि वर्कर्स जितने हैं उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो नंबर ऑफ वर्कर्स को वेट लेने का और कंट्रीब्यूशन को एक्स लेने का. 1,500, 200. और ऑफिसर्स 2, क्लर्क 10, पियॉन 3, सिग्मा डब्ल्यू 15. मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. 2,000, 5,000, 600. टोटल कर देते हैं 7,600. 7,600 डिवाइड बाय 15 देन आंसर इज 506.67. बात हो रही है पैसे की. क्लियर? वेरी गुड. लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट सम, सम नंबर 4. द मेन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन द 7th थियरी पेपर इज 62. 7 थियरी के पेपर का मीन 62 है. व्हाट शुड बी द मीन इन द 3 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सो दैट हिज मेन मार्क्स फॉर एंटायर एग्जामिनेशन इज 68. 3 प्रैक्टिकल पेपर्स के मार्क्स का मीन क्या होना चाहिए जिससे पूरे 10 पेपर का जो मीन है वो 68 हो जाए. यस, 68 हो जाए. फिर से एक बार, 7 पेपर्स के मार्क्स का मीन 62 है. 3 पेपर के मार्क्स का मीन
क्या होगा कि जिससे पूरे 10 का मीन 68 हो जाए? क्या करेंगे, क्या लगता है? कंबाइन मीन, क्योंकि एक से ज्यादा मीन तो ऑब्वियसली फिर क्या होना चाहिए, कंबाइन मीन। तो बाइफरकेट कर लेते हैं कौन सी चीज क्या है। सेवन पेपर्स, थ्री पेपर्स, दैट इज एन वन एन टू। एक्स बार वन, एक्स बार टू, उसमें सिक्स बार वन दिया हुआ है 62, एक्स बार टू ढूंढने का बोला और एक्स बार सी इज गिवन 68। यस, सेवन, 62, थ्री, 68, दैट्स इट। इजिली फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला है ही हमारे पास। एन वन एक्स बार वन, एन टू एक्स बार टू, एन वन प्लस एन टू 68, एन वन माने तो 7, 62, एन टू 3 इंटू एक्स बार टू, क्योंकि नहीं है ये हमारे पास, एन वन 7, एन टू 3। क्लियर, ये 10 सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन होके सामने आके माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा इसका 434 प्लस 3 इंटू एक्स बार टू, ये सामने चला जाएगा 434, तो 680 माइनस 434 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स बार टू। x bar 2 is equals to 680 minus 434, 246, और ये 3 division में चले जाएंगे, so x bar 2 is equals to 82 marks। समझ में आया friends क्या किया? अगर ये जो तीन पेपर थे उसके मार्क्स का मीन 82 आएगा, सो ओवरऑल 62 82 मिलके उसका मीन वेट कितना होगा, कंबाइंड मीन 68। समझ में आया पूरा अच्छे से? वेरी गुड। इस सम को हम आईएमपी कैटेगरी में ले सकते हैं। वन मोर इंस्ट्रक्शन इज देयर From today onwards, मैं मेरी चैनल पर हर रोज स्टेट्स के वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो अगर आप लोग जल्दी जल्दी मेरा वीडियोस देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।